महासमुंद जिले में शासकीय शराब दुकान के कर्मचारी अवैध शराब बेच रहे हैं। ऐसे ही एक मामला जिले के कोतवाली के दलदली रोड में सामने आया। शासकीय दुकान के सुपरवाइजर की मिली भगत से अवैध शराब बेचने एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25,000 की 8 पेटी अवैध शराब जब्त की। आबकारी विभाग के आला अधिकारी प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जिसमें जिले में 36 शासकीय मदिरा दुकानों का ठेका एक ही एजेंसी के पास है। इन दुकानों में 116 सेल्समैन, 25 मल्टी वर्कर और 36 सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है और अब यही कर्मचारी अवैध शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 में कंपनी कर्मचारियों के खिलाफ अब तक 8 प्रकरण शराब में मिलावट, प्रिंट रेट से अधिक दाम पर शराब को बेचने और अवैध शराब बेचने के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिससे प्लेसमेंट एजेंसी पर कई सवाल उठने लगे हैं। उसके द्वारा ही बाहर भेजी जाती है, तो हमने पूछताछ में ये पाया कि जिस सुपरवाइजर को हमने अपने कब्जे में लिया है उसके द्वारा ही शराब की जो पेटियां हैं वो बाहर जाती थी। ये पूरा मामला विवेचना में लिया गया और इसी से हमें पता चला। पहले ही निर्देशित किया गया था कि किसी प्रकार की भी इलीगल बातें दुकानों में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ओवर रेटिंग हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे किसी प्रकार का पजिशन लिमिट से अधिक की मात्रा में शराब का विक्रय हो। और उसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस प्रकार से किसी प्रकार की बातें नहीं होंगी और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।